पहले में सलीमा खान मैम। ओपन योर कैमरा एवरीवन। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश में। रक्षी सबसे पहले आप दे दो। हेलो वेरी गुड भारती, आपने बहुत अच्छा। जितने बच्चे इस ग्रुप में हैं वो हेलो मुझे सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही, आज क्या बात है? बच्चों अपना माइक खोलो, इंट्रोडक्शन दो पहले। सोना, रक्षी, हलीमा, हेलो गुरुबा, कैसी हो? ओके ठीक है। और बच्चे इंट्रोडक्शन दो। हेलो मैम। हेलो भारती, कैसी हो? सॉरी मैम, लेट हो गई मैं। मैंने बोला सॉरी, लेट हो गई थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चों मैं आज सब लोगों को एक पेपर दे रही हूँ जो आप लोगों को कंप्लीट करके देना है। ओके यस मैम। और ये पेपर आप सबको लिखना है अपनी नोटबुक में, या तो जो फोन अच्छी तरह चला लेता है, जिसको व्हाट्सएप थोड़ा बहुत यूज करना आता है, तो वो मुझे फोन पे ही करके दे दे, ठीक है? मैं वेट करूंगी सबका। ठीक है बच्चों, अपना क्लास फर्स्ट चेक करो सारे। और ये सिर्फ आपके इंग्लिश का पेपर है, और मैं ये देखूंगी कि ये किस किस को आ गया है। चलो जल्दी से करो सारे। मैम मुझे भी करना है? हाँ भारती, आपको भी करना है, क्योंकि आपके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। जिसको नहीं आएगा वो मुझे बता दे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती रहूंगी। देखो जो फर्स्ट वाला पेज है, जिसमें मतलब ये बताना है, मैं मुझे बता दीजिए। मैं बताती हूँ। जैसे इसमें ये बता रहा है कि कौन सी अच्छी हैबिट है और कौन सी बुरी हैबिट है, तो आप सब लोगों को ये बताना है कि कोई बच्चा अगर अपनी मम्मा को खाना दे रहा है, जो फर्स्ट वाला है, क्या वो रॉन्ग है या राइट है? अगर वो सही है तो सही वाला टिक लगाओ, रॉन्ग है तो गलत वाला टिक लगाओ। और ऐसे ही है दूसरा, एक लड़का अपना पेन एक लड़की से शेयर कर रहा है, वो सही है गलत है? एक... हाँ रक्षी okay,
एक्चुअली मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया था। क्या, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलो। मैं कह रही हूँ मेरा दादा ना, मेरे दादा ने मेरा साथ छोड़ दिया था। ओके, फिलहाल डाटा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। रख, सोनम से ले लो, सोनम का फोन। व्हाट अ सिस्टर, उसमें वन क्लास का ग्रुप है नहीं? हाँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। मैसेज करती हूँ, बताना है ये, मैसेज कर दो। ओके बच्चों, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो थर्ड वाला है, वो लड़का एक बनाना खा रहा है और छिलके को रोड पे फेंक दिया, तो वो सही हैबिट है बैड हैबिट है वो आपको देखना है। एक बच्चा है जो सोफा पे चढ़ के अलमारी के ऊपर से बॉल निकाल रहा है, सही हैबिट है बेकार हैबिट है। एक लड़की है जो बनाना को उठा के, बनाने का छिलका उठा के रोड पे से डस्टबिन में डाल रही है, सही और गलत का टिक लगाओ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी पर टिक लगाना है, सही और गलत का टिक लगाना है इसी पे, पेपर पे मैम। क्या क्या बोल रही हो भारती? हेलो, हाँ भारती, पेपर पे ही टिक लगाना है। टिक सब में लगाना है, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। मैं कैसे लगा मैम, मैं पूछ रही थी कॉपी में तो नहीं उतारना है, इसी पे करना है ना? चाहे आप कॉपी पे उतार लो, चाहे आप फोन पे कर सकती हो तो फोन पे कर लो, लेकिन आप कॉपी पे करो तो सबको बेस्ट है, कॉपी में करो सारे नोटबुक में, ठीक है? सिस्टर, मैंने आपके सोनम के फोन पे भेज दिया है, आप चेक कर लो। ओके ओके, लेकिन मैं आगे बताती हूँ। करना पड़ेगी क्या? अब एक जो दे रखा है उसमें तो सबसे पहले आपका नाम पूछा है, तो आपको नाम लिखना है। मैं क्या कर रहे? फिर उसके बाद इसमें आपको ए ई आई ओ यू यानी वोवल्स लगाने हैं। अब ये कैट बनी हुई है तो आपको कैट की दो स्पेलिंग लिखी हुई है, बीच की मिसिंग है, तो ये आपको फिल करना है। हाँ रक्षी, आवाज आ रही है आपकी? ओके, हाँ आप चलो सारे बच्चे करो। तो मैंने बता दिया है इसमें वोवल्स लगाना है, ए ई आई ओ यू, ये आपको इसमें अपने आप सेट करना है। अब मैं थर्ड पेज की तरफ बढ़ती हूँ। ओके, ये वर्कशीट है और इसमें पैरोट और मतलब बहुत सारे फाइव इसमें चिड़िया बनी हुई है, और ऊपर इसमें नाम लिख रखा है चॉइस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, जो इसमें बर्ड्स दे रखी है इनका नाम आपको ढूंढना है इसमें से, जैसे पैरोट और इसमें ऐसे सारे बहुत सारे नाम है, इसको आपको देखना है ध्यान से और उसमें करेक्ट करेक्ट लिखना है। ओके, देन हम पहुंचते हैं फोर्थ पेज पे, ए हैप्पी चाइल्ड, ठीक है? कोई सैड है, कोई हैप्पी है, कोई एंग्री है, कोई क्राइंग है, ठीक है? तो आपको ये मैच करना है। क्या अलीना बेटा, मैं आपको एक पेज सेंड कर रही हूँ, आपको वो करके मुझे देना है, ठीक है? हाँ मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सबको। हाँ मैम सुनिए ना, हाँ उसका पूरा ड्राइंग बना के एक सही आंसर देना पड़ेगा। हलीमा क्या बोल रही हो आप? मेरे मुझे ना आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। उसका ड्राइंग करना पड़ेगा मैम, नहीं बनाया शुरू करना है आपको, करते लगना है और बस क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी आप लोगों को कि मैं आप लोगों को दोबारा से फर्स्ट पेज से समझाती हूँ। सारे बच्चे पहले अपना माइक म्यूट कर लो। किसी का कोई क्वेश्चन है? जिस बच्चे को वर्कशीट नहीं मिली है वो मुझे बताओ, मैंने उसको सबको सेंड कर दिया है। जी, ठीक है, मैं दोबारा से आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है?
देखो फर्स्ट पेज है, पेज है उस पे लिखा हुआ, है आपको क्वेश्चन लिखना है, पुट ए राइट मार्क्स फॉर द करेक्ट एक्शन एक्शन ओके एंड ए रॉन्ग रॉन्ग फॉर द रॉन्ग एक्शन ठीक है। ये आपको लिखना है, देन 1 2 3 4 5 तक डालना है। सारे बच्चे साथ साथ लिखते रहो, जो भी डाउट हो मेरे से बोलना ठीक है। तो सारे बच्चे पहले फर्स्ट पेज कर लो, उसके बाद में सेकंड पेज आपको एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है। और किस किस का फर्स्ट पेज हो गया है मुझे कमेंट करो। मी जस्ट टाइप एम ई मी। ये तो मुझे नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ भी। ओके कोई बात नहीं, फर्स्ट पेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप कर लो, क्वेश्चन लिखना है आपको, ड्राइंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर डालो 1 2 3 4 5 और राइट और रॉन्ग करो कि कौन सा हैबिट सही और कौन सा गलत ठीक है। 1 2 3 4 5 और अपना माइक ना सोना म्यूट कर लो ठीक है। सारे बच्चे का माइक म्यूट कर लो, जिसको जो डाउट हो उससे वही पूछो। मैंने पूछा था फर्स्ट पेज किस किस का हो गया, रक्षिता नहीं हुआ सिस्टर। ओके भारती भारती आपका हो गया। मैं नाम लेके किसी बच्चे को नहीं पूछूंगी। ओके हलीमा का हो गया। मैम मेरा एक हो गया। ओके बेटा वेरी गुड। जिस बच्चे ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके अब इसमें ए बी सी डी ऐसे ऐसे कुछ नंबर्स और ऐसे नेम्स दे रखे हैं और आगे पिक्चर्स बनी हुई है। जैसे सी बना है, बीच में स्पेस है एंड देन लिखा हुआ है टी, तो आपको इमेज देखनी है कि इमेज किसकी है और उसका नाम पूरा सही लिखना है। ओके वेरी गुड भारती आपका बिल्कुल सही है वेरी गुड ठीक है। अब नेक्स्ट पेज करो। नेक्स्ट पेज में आपको बीच इसमें आपको सिर्फ डालने हैं ए ई आई ओ यू वोवल्स डालने हैं। मैं सारे बच्चों को बता रही हूँ, कल मैंने बताया था। तो ये नेक्स्ट पेज किस किस का हो गया, जस्ट टाइप मी एम ई मी डोंट ऑन योर माइक जस्ट टाइप मी। कोई बात नहीं, फर्स्ट पेज बहुत इजी है, आपको सिर्फ सही और गलत बताना है बस। और जल्दी करो, फिर सेकंड पेज भी करना है हमें। ओके जिस का सेकेंड पेज हो गया है वो टाइप करो एम ई मी। किसी का भी नहीं हुआ है, चलो कोई बात करो। मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, करो। किसी को कोई भी माये वो लेना चाहे 50 बार पूछना ले और नहीं समझ आए तो बहुत बार पूछना ठीक है। मैम बोलना आज आपने फोटो साइन किया ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला पेज समझ में नहीं आ रहा बेटा? मैम अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से एक पेज सेंड करती हूँ, आपको सिर्फ वही लेके बैठना है ठीक है। ओके मैम सिस्टर मेरा पेज वाला हो गया ठीक है। सेकंड वाला मैंने बता दिया, उसमें वोवल्स लगेंगे ई आई ओ यू ठीक है। वो मैंने आप लोगों को कर दिया है, आप लोग करो। ओके अलीना बेटा आप अपना व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप पे मैंने एक पेज सेंड किया उसको देखो और मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना।
सोनम बताना नहीं है रक्षी को, ये बहुत इजी है। अच्छा अच्छा बस इधर करना क्या है भाई, ये बता दीजिए। भारती आप ना 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिखो, ठीक है? नंबर्स लिखो। क्या डाउट है? दूसरे वाले पे मैं बताती हूँ, जैसे फोटो बना हुआ है बिल्ली की, ठीक है, तो लिखा हुआ है सी, फिर बीच में स्पेस है मतलब डैश है और फिर टी है, तो उस बीच में क्या आएगा? उस सेंटेंस को तुम जोड़ के क्या बनाओगे? जो इमेज है उसका नाम बनाना है। तो मैं सिर्फ एक ही आप सबको बता रही हूँ, जो जैसे सी लिखा है फिर उसके बाद डैश है, टी है, बीच में ए आएगा, इसमें सिर्फ ए ई आई ओ यू सिर्फ वॉवल सी आएगी। आप सारे बच्चे कर लो। ओके ओके अलीना हाँ अलीना मैं समझा रही हूँ। जो पेज अभी मैंने आपको सेंड किया है आप उसे ओपन कर लो। ओके मैम। ओके ओके अगर इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपनी सही आदतें और गलत आदतें बतानी है, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके तो अब एक बच्चा है जो अपनी मम्मा को खाना दे रहा है, क्या ये बात अच्छी है या बुरी है? मतलब सही का निशान लगाना चाहिए या गलत का निशान लगाना चाहिए? मैम सही का निशान लगाना चाहिए। वेरी गुड। ओके एक लड़का है जो बनाना खा रहा है, यानी एक जो केला होता है वो खा रहा है और उसके छिलके को उसने रोड पे फेंक दिया यानी सड़क पे फेंक दिया, तो उसने गलत किया या सही किया? वेरी गुड। अब एक लड़की है जिसने उस छिलके को उठा के डस्टबिन में डाला, रोड से उठा के डस्टबिन में डाला, क्या वो सही है या गलत है? मैम सही है। हाँ तो सुई। वेरी गुड। ठीक है आपने वॉवल्स याद किए थे जो मैंने कल करवाया था आपको, एबीसीडी। वेरी गुड। ये मैंने आपको जो दूसरे वाला पेज सेंड किया है मैं आपको दोबारा सेंड करती हूँ, आप चेक करना, ठीक है? ओके मैम। चेक करो लीना। जिस बच्चे का पेज 1 पेज 2 हो चुका है वो मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करे। भेजी मैम भेजी। हाँ आपका आ गया है हलीमा। हलीमा आपने सिर्फ पेज 1 किया है? 2 भी किए मैं, दोनों क्यों है? ओके वेरी गुड। ओके ठीक है अब थर्ड पेज अलीना 2 मिनट रुकना ना, मैं बच्चों को थोड़ा बता दूं फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है। आप जितने बच्चों का फर्स्ट सेकंड पेज हो गया वो थर्ड पे आओ। इसमें मतलब लिखा हुआ है रीडिंग, पहले आप इसे रीड करना है। नेम द वर्ड, वर्ड्स के नेम लिखे इसमें, चॉइस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, मतलब इसमें नाम दे रखे हैं और इमेज भी बना हुआ है, ठीक है? तो आपको यहाँ से आपको नाम देखना है कि कौन सा नाम कौन से पंछी का है, ठीक है? ठीक है। आर यू गॉट इट? यस मैम। हाँ और आपको 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखने, उसके बाद नाम लिखना है, ठीक है? यस मैम। ओके सारे बच्चों को समझ आ गया होगा उम्मीद है, तो आप सारे लिखना शुरू करो। ओके अलीना हाँ बेटा तो ये देखो सी और बीच में खाली है और टी लिखा हुआ है, ठीक है? आपको कैट की स्पेलिंग आती है? यस मैम। क्या होता है कैट की स्पेलिंग बताओ? सी ए टी। वाओ वाओ वेरी
वेरी गुड। तो इसके एक बताओ, सी लिखा है और बीच में स्पेस है, मतलब बीच में खाली है और टी लिख रहा है, तो वो खाली वाली जगह पे क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे उसमें एक फोटो बनी है ना, बिल्ली की फोटो बनी है ना, तो बस उस बिल्ली का नाम लिखना है आपको। ओके मैम। तो पहले आप बिल्ली का नाम लिख लो, फिर हम डॉग का नाम लिखेंगे। डॉग का नाम लिख लेना, ठीक है? बिल्ली के बाद डॉग का नाम लिखना, ठीक है? ठीक है मैम। ओके वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब किस किस बच्चे का पेज 1, 2, 3 हो चुका है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं। चित्र मेरा दूसरा होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। भारती आप कर रही हो? भारती हलीमा कर रही हैं? यस मैम। ओके ठीक है। क्या बात है आज गुरुबा की आवाज नहीं आ रही है? गुरुबा ओपन योर माइक। गुरुबा आप बताओ, आप कर रही हो? हाँ मैम, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है बेटा कर लोगे तो मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना, ठीक है? ओके मैम, वेरी गुड। ओके अलीना क्या कह रहे थे आप? मैम ओके सन की स्पेलिंग आती है? कोई बात नहीं। ओके कब की स्पेलिंग आती है? नहीं, मैं सिर्फ अलीना से पूछ रही हूँ। आप लोग अपना पेज आगे का करो। ओके अलीना आपको तो बेटा कब की स्पेलिंग लिखो? देखो लिखा हुआ है सी और बीच में खाली है और पी लिखा है, तो देखो वो खाली जगह पे क्या आएगा? मैम ए आएगा। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोशिश बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन यू आएगा, तो कोई बात नहीं। अच्छा आपको सिक्स की स्पेलिंग आती है? अलीना बेटा आपको सिक्स की स्पेलिंग आती है? अलीना आपको सिक्स की स्पेलिंग आती है? बेटा सिक्स की स्पेलिंग मैंने आपको ओ-ए-डी-1 करवाया था ना? कोई बात नहीं। S-I-X ओके ठीक है। अलीना आपको मैं कौन फोटो सेंड करती हूँ? आपको वो फोटो मैच करना है, यानी कौन हैप्पी है, कौन सैड है, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना, क्राइंग का मतलब होता है रोना। तो मैं आपको एक पिक सेंड कर रही हूँ, आप उसे सही जोड़ के मुझे भेजोगे, ठीक है? ओके मैम, ठीक है मैं सेंड। अलीना चेक करो। हाँ तो इसमें आपको देखो, इसमें पहले तो हैप्पी बना है, दूसरा नीचे थोड़ा सैड है, तीसरा रो रहा है, और जो फोर्थ है वो बहुत गुस्सा कर रहा है। तो आपको मैच करना है कि कौन खुश है, कौन सैड है, कौन हैप्पी है, ठीक है? पेंसिल से मैच कर लो, ठीक है? नहीं या तो आप फोन से मैच कर लो, ठीक है? फोन से मैच करके मुझे सेंड कर सकते हो, या आप सिर्फ बता सकते हो कि मैम ये जो दूसरे नंबर वाला है ये सैड है या गुस्सा है, आप बता सकते हो।
ओके अब हमारा सेवन पेज आता है। सारे बच्चे पेज नंबर सेवन पर पहुंच गए हो? नहीं मैम, अभी कौन से वाले पे हो? तीसरे, चौथे। ओके ठीक है, जल्दी करो ना। पांचवे पे अपने बारे में, जैसे माय नेम इज, माय मदर नेम इज, या माय अम्मी नेम इज, या माय फादर नेम इज, माय सिस्टर नेम इज, माय ब्रदर नेम इज, फोर्थ पे। देखो फोर्थ पे आपको मैच करना है, फोर्थ पे आपको मैच करना है, जैसे वन पे सैड है, हैप्पी है, मतलब आपको मैच करने हैं, नेम्स दे रखे हैं साथ में, तो आपको मैच करना है। जैसे जो फोर्थ है वो गुस्सा कर रहा है, एंग्री कर रहा है, तो एंग्री कहाँ है? ठीक है तो अब सारे बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। बच्चों बस ये आपका लास्ट है, और मैं सबको सिर्फ 5 मिनट्स, इसके बाद मैं आपके माइसेल्फ का टेस्ट लूंगी, तो आप जल्दी करो थोड़ा।
बच्चों अब जिसका जितना भी हो गया है वो सेंड बच्चों अब जिसका जितना भी हो गया है वो सेंड कर दो। बिकॉज मेन चीज ये होती है बिकॉज हम पेपर में बैठते हैं तो हमारा पेपर में बैठते हैं तो हमारा पेपर होता है वो पूरे साल का होता है। आप इसे भी चेक करनी है तो आप जल्दी से सर्विस चेक करनी है तो आप जल्दी से सर्विस सेंड कर दो ठीक है। मुझ पे भारती का आ गया है और किसी का नहीं है सारे बच्चे सेंटर हो हलीमा का भी आ गया वेरी गुड हलीमा का भी आ गया वेरी गुड वाओ अलीना का भी आ गया गुरुबा बेटा आपका जितना हो गया ना सेंड कर दो गुरुबा आपने गुरुबा आपने अलीना अलीना आपने बहुत अच्छा जुड़ा है अलीना आपने बहुत अच्छा जुड़ा है अलीना मैं मेरा लास्ट बच्चा अलीना वेलकम वेलकम किसका लास्ट बच्चा किसका लास्ट बच्चा माइक ओपन करके मैम मेरा बच्चा एक और भारती भारती हाँ मैम हाँ मैम मेरा बच्चा एक और अच्छा ठीक है पेज बचा अच्छा ठीक है पेज बचा नहीं नहीं एक और लास्ट वाला बच्चा है ना ओके ठीक है ओके ठीक है मैंने आपको सेंड कर दिया है। हाँ जी मैं चेक कर रही हूँ और आप सबके मार्क्स आपके और आप सबके मार्क्स ठीक है मैं मुझे आप सब बच्चों के मार्क्स इतना मुझे आया मैंने इतना करा नहीं आपने बहुत अच्छा किया वेरी गुड नहीं आपने बहुत अच्छा किया वेरी गुड ठीक है आप सारे बच्चों का एक और काम है सारे बच्चों का एक और काम है माइसेल्फ लिखना ठीक है माइसेल्फ लिखना ठीक है यू नो व्हाट इज माइसेल्फ यू नो व्हाट इज माइसेल्फ आप सभी बच्चों को पता है माइसेल्फ क्या होता है जिसे नहीं पता वो बिल्कुल पूछ सकते हो 50 बार पूछ सकते हो पूछो अब आ रही है ठीक आप आ रही है ठीक मैं बोल रही हूँ किसी बच्चे को मैं बोल रही हूँ किसी बच्चे को नहीं पता कि माइसेल्फ क्या होता है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है आपको ठीक है रक्षी आपको कम से कम लिख के मुझे सेंड करना है मेरे पर्सनल नंबर पे ठीक है ओके अब मैं सारे बच्चों के ऊपर समझा दूं माइसेल्फ मैं सारे बच्चों के ऊपर समझा दूं माइसेल्फ क्या होता है सारे बच्चे अपना सारा काम छोड़ के सारे बच्चे अपना सारा काम जब आप किसी क्लास के लिए किसी ट्यूशन के लिए किसी क्लास में जाते हो तो लोग आपके बारे में कहीं भी जाते हो तो लोग आपके बारे में पूछते हैं तो आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो सारे बच्चे अपना माइक ऑन कर लो और कैमरा भी ऑन कर लो जिस बच्चे को नोट करना है वो बच्चा नोट भी कर सकता है ठीक है अब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ देखो माइसेल्फ होता है खुद के बारे में बताना ठीक है माइसेल्फ होता है खुद के बारे में बताना यानी अगर हलीमा अपने बारे में कैसे बताएगी ऐसे बताएगी माई नेम इज हलीमा माई मदर नेम इज अपनी मामा का नाम बोलना है माई फादर नेम इज माई सिस्टर नेम इज माई ओल्डर सिस्टर नेम इज माई ब्रदर नेम इज और आपको क्या बनना है ओके
बेसिक्स आपको याद करना है कि किसी को भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे सको, ठीक है? यस मैम। तो एक काम करो, बिना देखे और बिल्कुल सही लिखना, ठीक है? यस मैम। ओके मैम, लिखना भी है। हाँ बेटा मैं वही चेक कर रही हूँ। गुरुवा आपने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। मैं आप लोगों को ग्रुप में मार्क्स दे दूंगी। सबने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। ठीक है, किसका किसी का कोई डाउट है? हाँ जी, गुरुबा आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मैम, जो आपने वो पिक्चर सेंड की थी ना, जिसमें अपने फादर का नाम लिखना होता है, जी, वो मैंने अपने फादर का नाम लिखा और उससे नीचे मुझे लिखना नहीं आता था। कोई बात नहीं, आपको अपने किताब में लिखना है, जो भी आपको रुबा और खान जो भी लगता है आप वो लगा लो, और फिर माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, माय ब्रदर नेम इज, माय सिस्टर नेम इज, बस इतना लिखना है किसी को, ठीक है? ये आप कंप्लीट करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करो, ठीक है? जी मैम। हाँ बेटा अलीना, आपको मैं सेंड कर देती हूँ, और सारे बच्चों को जब सबका सबमिट हो जाएगा फिर मैं सबको दूंगी, ठीक है? जी मैम। ठीक है, सबसे पहले आप माई सेल्फ लिख के भेजो, माई नेम इज, माई फादर नेम इज, माई मदर नेम इज, माई सिस्टर नेम इज, माई ब्रदर नेम इज, ठीक है? ओके मैम। और जिस जिस बच्चे का मेरे पास आ जाएगा मैं उसको होमवर्क सेंड कर दूंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है बच्चों? ओके मैम। ओके बच्चों, बाय, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय। ओके बाय। मेरे पर्सनल नंबर मैसेज कर दो, मेरे पर्सनल नंबर मैसेज कर दो, मेरा फोन डिस्कनेक्ट होने वाला है। मैम सुनिए ना मैम, ओके बोलो जब बाकी का दो बच्चा है वो कोई बात नहीं, आपको बस माई सेल्फ लिख के देना है, ठीक है? और बाकी जो भी डाउट हो मैम। हेलो सिस्टर। हां बोलो सिस्टर, आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ लो क्योंकि कॉल डिस्कनेक्ट।